दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव और गाइस आप देख सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पोस्ट है 15 आवर्स अगो की। आप टॉप पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 15 आवर्स अगो, तो 15 घंटे पहले की पोस्ट है और ये रेडिट पे पोस्ट किया है एक रैंडम यूज़र ने जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है रिलायबल हो सकती है ये सोर्स। और कॉल ऑफ ड्यूटी आजकल आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा लोगों के बीच में, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी वाले जो कर रहे हैं, एक्टिविजन जो कर रहे हैं, लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। और कॉल ऑफ ड्यूटी की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली सीरीज थी मॉडर्न वॉरफेयर, और सब जो गेम मतलब एंथुजिस्ट्स हैं या फिर गेम फ्रीक्स हैं आपकी और मेरी तरह, वो ये सब यही डिस्कस करते रहते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज़ को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा एक्टिविजन, जो कि बहुत सक्सेसफुल सीरीज थी और उसको आगे बढ़ाना भी चाहिए। तो यहाँ पे इस पोस्ट में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस बंदे ने क्या पोस्ट किया है। आई वर्क एज अ टेस्ट इंजीनियर एट जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम। तो गाइज अगर आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी रिसर्च किया, मैं आपको बता दूँ, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम एक कंपनी है US में जो इस समय प्राइमरीली फोकस्ड है US आर्मी के लिए टैंक्स और हैवी व्हीकल्स बनाने के लिए। तो जब मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि M1 एब्राम्स टैंक जो कि US का मेन बैटल टैंक है और दुनिया में सबसे पावरफुल टैंक भी है, वो भी इसी कंपनी ने, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ने डेवलप किया है। तो यहाँ पे इन्होंने, इस बंदे ने लिखा है कि अर्लियर दिस समर आर PR डिपार्टमेंट ब्रॉट इन अ टीम ऑफ गेम डेवलपर्स टू रिसर्च द कटिंग एज इक्विपमेंट वी आर करेंटली डेवलपिंग। तो जो इनकी PR टीम थी उन्होंने कुछ डेवलपर्स को बुलाया जो गेम डेवलपर्स थे और उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी कुछ कटिंग एज इक्विपमेंट के ऊपर जिसके ऊपर जो इनकी कंपनी अभी भी काम कर रही है। और वो इनकी साइट पे करीब करीब एक महीना रुके और इनको एंड में, जब साइट पे जब उनकी विजिट खत्म हुई तो एंड में एक गेम का एक वेक प्रेजेंटेशन सा दिया, एक तरह से गेम प्ले फुटेज शो की। और उन्होंने बताया कि जो हमने यहाँ पे रिसर्च करी है आपकी फैक्ट्री में, जो भी आप इंजीनियरिंग चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आप टैंक्स वगैरह बना रहे हैं, वो हम यूज़ करने वाले हैं मल्टीप्लेयर में, और सिंगल प्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा डीप इनटू डेवलपमेंट है, यानी कि काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और गेम इंजन्स वगैरह के बारे में इनको समझाया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिडंट नो वेयर दे वर फ्रॉम, वी वर एबल टू सी इन गेम रेंडरिंग्स ऑफ सम ऑफ द इक्विपमेंट दे वर रिसर्चिंग बट नथिंग आउटसाइड दैट। तो इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो लोग कौन से यू नो स्टूडियो से हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली इन्फिनिटी वॉर्ड ही काम कर रहा होगा मॉडर्न वॉरफेयर 4 सीरीज पे, तो इनको ये नहीं पता था कि वो इन्फिनिटी वॉर्ड से हैं या फिर किसी और कंपनी से हैं जो लोग रिसर्च के लिए आए थे। तो अगस्त 13 को यहाँ पे लिखा हुआ है द फुटेज देन शोड अ बंच ऑफ US सोल्जर्स रनिंग थ्रू अ माउंटेन्स वुडेड एरिया वाइल टेकिंग गन फायर, दे वर स्क्रीमिंग अबाउट हाउ ऑल डिफेंसेस हैव फॉलन एंड दे नीड टू इवैक द यूनाइटेड नेशंस VIPs टू द ब्लैक माउंटेन फैसिलिटी। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये एक मॉडर्न वॉरफेयर बेस्ड सिनेरियो है और बहुत ही अमेजिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक और चीज़ मेंशन करी है, इट वाज ओनली आफ्टर आई रियलाइज दिस वाज अ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम एज अ टाइटल कार्ड टेक्स्ट लुक्स वेरी फेमिलियर टू दैट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर 2। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर 2 के स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट लिखा आता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप एज व्हाट प्लेयर प्ले कर रहे हो और आप कौन सी लोकेशन पे हो, तो उस तरह का कुछ कार्ड्स को देखने को मिला था इस प्रेजेंटेशन में। तो गाइज यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि डेवलपर्स देन लेफ्ट एंड स्टेटेड देयर गेम वुड बी अवेलेबल इन 2019। तो नेक्स्ट ईयर जो कॉल ऑफ ड्यूटी आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली हमें मॉडर्न वॉरफेयर का या तो नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है ये घोस्ट जो सीरीज आई थी घोस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट उसका नेक्स्ट पार्ट हो, क्योंकि घोस्ट भी एक तरह से मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो पे ही बेस्ड थी, हालांकि थोड़ी सी एडवांस थी वो, बट स्टिल उसमें जो वेपन्स वगैरह थे वो भी आज की जनरेशन के ही थे। तो यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर 4 के नाम से गेम आएगी या फिर कम्प्लीटली न्यू सीरीज होगी या फिर घोस्ट का सेकंड पार्ट होगा, तो ये देखना होगा नेक्स्ट ईयर। गाइस आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँ इसलिए जल्दी से ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, अगर आपको कुछ भी ऐसा पता है, आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ पता है तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।